पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को उन्हीं के घर में हराया, साथ ही साथ शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस को टॉप पांच से पॉइंट्स टेबल में जो है भगाया ही भगाया। पर लेकिन साथ ही साथ अगर आप बात करें इन पांच टीमों के लिए, पंजाब किंग्स मुसीबतों का संदेशा भी लाया। आपको पता ही है दोस्तों, हर मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल अपडेट होती रहती है, रोजाना अपडेट होती है पॉइंट्स टेबल पर। लेकिन जब पंजाब किंग्स इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चेज में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ जीता, शशांक सिंह उस चेज के हीरो भी रहे। अगर आप बात करें शशांक सिंह के साथ साथ, अगर हम आशुतोष की पारी को, 17 गेंद पर 31 रन की पारी को हम इग्नोर कर दें तो वो भी बिल्कुल नहीं ठीक होगा। तो शशांक सिंह भी हीरो थे, अगर आप बात करें तो आशुतोष भी हीरो थे। तो ओवरऑल सबके सब हीरो तो थे, पर लेकिन साथ ही साथ एक और चीज़ तो ये है कि जो बात की जो बची हुई, यानी कि आखिरी की जो पांच टीमें हैं उनके लिए कैसे मुसीबतों का संदेशा है उसकी भी बात करेंगे। पर लेकिन एक बार गौर कर लेते हैं पॉइंट्स टेबल में, एक बार ये गौर कर लेते हैं कि कैसे ऊपर आ गया है पंजाब किंग्स और नीचे चला गया है गुजरात टाइटन। सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं इसी पॉइंट टेबल में। एक बार पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं। केकेआर तो है ही नंबर वन पे, दूसरे नंबर पर है राजस्थान रॉयल्स, तीसरे पर है चेन्नई सुपर किंग्स, चौथे पर है लखनऊ सुपर जायंट्स। अब पंजाब किंग्स ने जब गुजरात टाइटन को हराया, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जो चेस थी उसमें भागीदारी अपनी रची, और साथ ही साथ जो शशांक सिंह की हीरोइक्स थी वो तो आई, इसी वजह से गुजरात टाइटंस जो है छठे पर चली गई। अगर आप बात करो पंजाब किंग्स की तो पंजाब किंग्स अब आ गई है पांचवें नंबर पर। चार मैचों में दो जीत दो हार हैं पंजाब किंग्स की, चार पॉइंट्स कूल हो गए हैं उनके पर। लेकिन एक दिक्कत है, नेट रन रेट माइनस में, वो आगे आने वाले टाइम में इस चीज़ को इम्प्रूव करने पर अपना जोर दे सकती है। गुजरात टाइटंस की बात करो तो वो छठे पायदान पर आ चुकी है और टॉप पांच से बाहर आ चुकी है गुजरात टाइटंस हार फिलहाल में। पर लेकिन अगर आप बात करें चार मैचेस में दो जीत दो हार, नेट रन रेट उनका भी माइनस में, चार पॉइंट्स के साथ छह नंबर पर काबिज है। अगर आप बात करें तो आखिरी की पांच टीमों पर अगर आप नजर डालें तो गुजरात टाइटंस, सनराइजर्स हैदराबाद, आरसीबी, दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस, इन पांच टीमों के लिए खतरे की घंटी यहां पर बज चुकी है। पर लेकिन जो अब का जो मुकाबला होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स का, उसमें चेन्नई सुपर किंग्स जीतती है तो वो तो ऊपर का रास्ता तय करेगी, उनको कोई मुश्किलें नहीं है अभी भी। अगर हार भी जाती चेन्नई सुपर किंग्स तो उनके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पर लेकिन अगर आप बात करें सनराइजर्स हैदराबाद, अगर यहां से हारती है तो पॉइंट्स टेबल में नीचे तो आएगी, पर लेकिन दिक्कतों का सामना और भी ज़्यादा करना पड़ सकता है, जैसी दिक्कतों का सामना आरसीबी को करना पड़ रहा है। मुंबई इंडियंस से मैं कंपेयर नहीं करूंगा अभी, क्योंकि मुंबई इंडियंस के तो अभी खेमे में एक भी जीत नहीं आई है। पर लेकिन अगर आप देखें तो सनराइजर्स हैदराबाद के लिए दिक्कतों की बात है, आरसीबी के लिए दिक्कतों की बात है, दिल्ली कैपिटल्स के लिए तो है ही है, और मुंबई इंडियंस के लिए तो वैसे भी है क्योंकि तीन मैच हो गए, एक भी जीत अपने खाते में डाल नहीं पाई है मुंबई इंडियंस। तो हमने पॉइंट टेबल दोस्तों डिस्कस कर ली पूरे तरीके से। अब यहाँ पर जो कह सकते हैं हम थोड़ी अगर देसी भाषा में जाएं तो कलेश एक वर्ड है, तो कलेश है आखिरी की पांच टीमों में मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, और उसके ऊपर अगर आप देखें पॉइंट्स टेबल में सनराइजर्स हैदराबाद है, गुजरात टाइटंस। अब गुजरात टाइटंस पहले टॉप पांच में थी, अब नीचे की टॉप पांच में उसने भागीदारी कर ली है। शुभमन गिल की कप्तानी अच्छी रही, उनके बल्ले से रन भी आए हैं, पर लेकिन अब आगे कैसे ये टीम आगे बढ़ती है वो जो है बहुत बड़ा सवाल रह जाएगा गुजरात टाइटंस के लिए। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर उनके दिल को ये लगी होगी कि अपने घर में आकर जो है बाहर की टीम ने उनको हरा दिया, ये बड़ी दिक्कत की बात है, और इस चीज़ का हल निकालना पड़ेगा शुभमन गिल को और नेहरा जी को। अपनी राय इस पॉइंट्स टेबल के बारे में हाल फिलहाल की ज़रूर बताएं। जब कल पॉइंट्स टेबल अपडेट होगी फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगा, पॉइंट्स टेबल बताऊंगा हर एक मुकाबले के बाद, ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में।